हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट टुगेदर। और आप सभी को स्वागत है फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पेपर टू पॉलिटिकल साइंस का स्ट्रैटेजी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा और पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडु ग्रेबन। और आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो ऑलरेडी पेपर वन जो कि जनरल पेपर होता है सभी के लिए, उसकी एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच करी तो ज़रूर वॉच करिएगा। उस पर हमने बताया किस तरीके से आप क्या क्या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं UGC नेट पेपर को क्लियर करने का। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली पेपर टू पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हमारे साथ अवेलेबल है वैशाली भाटिया जी, जिनका UG और PG दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि पेपर टू पॉलिटिकल साइंस इन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया और 99.6% इन्होंने जो है स्कोर किया है इस साल का जो पेपर था जून जुलाई वाला सेशन। तो सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो इनका ये पहला अटैम्प्ट नहीं था, कहीं आप लोगों को लगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने 99.6% को ये लेकर के आए हैं। तो इससे आप सबसे पहले तो यही बात सीख सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट अच्छा नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू कर सकते हो जर्नी और एक अच्छी सीख ले सकते हो, जैसे कि इन्होंने नहीं। तो आज ये बताएंगे कि किस तरीके से सबसे पहला कदम इनको जो था स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने का। हाँ, सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने MA के फाइनल ईयर में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। वो भी बिना पढ़े दिया था क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग था। सो मैंने सोचा कि देखे आते हैं, एंड पेपर वन का मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी की नहीं थी। सो मैं ऐसी देखे आ गई थी, 92% लेवल्स में भी आई थी मेरे। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत इजी होगा, और साथ में आपको पेपर टू को ज़्यादा नहीं फैनअप करनी पड़ेगी, पेपर वन पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वही बेस बना वो मतलब वो क्लियर करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर वन। सो पेपर टू तो मेरा ग्रेजुएशन में मैंने मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया था, 7.something थे CGPA। सो मेरा ग्रेजुएशन से बेस बहुत अच्छा था, और स्पेशली जब मैं मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस किया तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत दी थी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे। सो वो मेरे को हेल्प किया उस चीज़ में। उसके अलावा तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं हो पाया, सेकेंड अटैम्प्ट में मैं देने गई थी एग्ज़ाम बट मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। सो मेरा वो थोड़ा ब्रेकडाउन चल रहा था उस टाइम पर, तो मैं जो तैयारी की थी ना वो सही से एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का बेस था उसके लिए मैंने कोई किताब नहीं ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब ऐसा कोई सच किताब है ही नहीं कि आपको जहाँ पे सारे 10 के 10 मिल जाए। अरिहंत लोग लेते हैं बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी। इतना हेलो चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी है तो मैंने ओपी गावा पढ़ ली, एंड्रयू लेविट पढ़ लिया, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए फिर से ओपी गावा आती ही है। IPT के लिए हमारे क्योंकि IPT बड़ा स्ट्रॉन्ग पे आया हमेशा से विवेकानंद, और ये हम इंडियंस हैं तो हमें पता ही होता है दातन के बारे में, बस आपको थोड़ा नोट्स और अच्छे से ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। और मॉक टेस्ट दिए थे बहुत सारे फॉर साइंस के लिए। अभी जो थर्ड अटैम्प्ट था तो तब तक तो मैम का भी चैनल आ चुका था उस टाइम, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में इनका चैनल था नहीं। तो जब मैंने इनका चैनल देखा तो मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा रही है, एंड एक्सप्लेनेशन भी करवा रही थी काफ़ी अच्छी। तो मैंने उनके भी जो मैम के वीडियो थे वो भी देखे, और साथ साथ क्योंकि प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कराती थी और कुछ नया इन्फॉर्मेटिव डालती थी अपने उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो मैंने देखा था। और क्योंकि हर टाइम हम बुक नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ बोर हो जाता है कितना ही बुक पढ़ लेंगे, तो उसने और कोई पेड प्रमोशन नहीं है पहली बार जो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ वही मैंने फॉलो किया। बट फिर मैंने सोचा क्यों ना एक ही चैनल फॉलो करें, उसी को देखें और उसी को रिविजन करें। रिविजन इज़ फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और जो मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने याद रखा चीज़ों को, तो मेरा ये होता है कि मैं ट्रिक्स और कहानियों से याद रखती हूँ। कोई भी जैसे FW टेलर हैं, फेयॉल हैं, तो जैसे टेलर क्या मुझे याद करना है तो मैंने टेलर को दर्जी बना दिया, तो वैसे दर्जी की कहानी से पूरा याद कर लिया। अगर आपको ऐसा चाहिए तो मेरे चैनल पर भी मैंने बहुत ऐसे 2-3 वीडियोज़ अभी सिर्फ 2-3 वीडियोज़ ही अपलोड किया जिसे मैंने ट्रिक्स और स्टोरीज से याद कराया। समझ तो आता है कॉन्सेप्ट और वो दिमाग में याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि वैशाली जी ने बहुत ही अच्छी बात करी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि हर जगह से ढूंढ लेते हैं, कहीं से इग्नो के नोट्स अरेंज कर लेते हैं, कहीं से किसी अदर चैनल के नोट्स को अरेंज कर लेते हैं, और या फिर चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए लेकिन स्टिक करिए उनके ऊपर, राइट। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उनको दिल से फॉलो करिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक टॉपिक को आप 10 जगह से पढ़ रहे हो तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गए 10 जगह पे, क्योंकि ऑब्वियसली सबका जो टीचिंग स्टाइल होता है और या फिर जो पढ़ाने का तरीका होता है, इवन जो मटेरियल भी होता है, वो कहीं ना कहीं तो डिफर करता है।
तो इसीलिए आप अपने जो सोर्सेज है उनको लिमिट रखिए और उन पर स्टिक करिए, ठीक है सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट वन की बात करते हैं कि आपने यूनिट वन का प्रिपरेशन कैसे किया, किस किताब से किया और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही यूनिट वन के लिए। सो पॉल थ्योरी तो मैंने उपिका बस ही किया था और मैंने जैसे बताया अभी एमए में हमने पॉल थ्योरी किया है, ठीक है। बीए में पॉल थ्योरी का एक अलग से ही फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता होगा पॉल थ्योरी हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, सो वो पढ़ा था। तो मैंने उपिका वन की पढ़ी थी और एंड्रू एवर्ट से आइडियोलॉजीज वगैरह पढ़ी थी, क्योंकि दो पार्ट है ना सर, फर्स्ट चैप्टर था तो बस कंसेप्ट सेंटर्ड ऑन द फैम्स। जिन भी किताबों की हम बात करें उसका स्क्रीनशॉट पे आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो सबसे पहले तो आप यूनिट वन के लिए ओपी गाबो को ले सकते हो। उसके बाद दूसरी यूनिट आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए आप कौन सी किताब बताना है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी ओपी गाबा आती है अलग से, उसका नाम ही होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा, तो आप वो वहाँ से रिफर कर सकते हो। लेकिन अगर जब आप ओपी गाबा को परचेस करके उसमें एक जो एक छोटा सा माइनर पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ में नहीं है और इस बार आपके जो पेपर्स अब हो चुके हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल बेसिस पे हो चुके हैं। तो लाइक अगर आपको जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका पहला ही कदम है प्रिपरेशन का, तो आप ओपी गाबा को ज़रूर ले सकते हो। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका भंडार है आपके पास सोर्सेज का, तो आप उसको यूट्यूब वीडियोज से पढ़ सकते हो, चैनल से पढ़ सकते हो, आप इवन मेरी जो प्लेलिस्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उससे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे मैंने हर एक थिंकर का वीडियो डाला हुआ है और आगे आने वाले समय भी आएगा। उसके बाद आते हैं हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो इंडियन पॉलिटिकल थॉट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए जैसे ना मैं बोल रही हूँ ना कि 10 यूनिट है, तो 10 के लिए हम 10 बुक्स तो नहीं ले सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। और स्पेशली अगर आप ये भी गारंटी नहीं है कि उस बुक से पढ़ोगे तो उससे सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, तो आपको अपडेटेड रहना होता है, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल करो। कोई अगर जैसे मैम पूरा डिस्क्राइब करके एकदम डिटेल में पढ़ाती हैं कोई भी थिंग सर, उसी हर एक्सपेक्ट को कवर करवाती हैं, तो वैसे कर लो, ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हो। आईपीटी के लिए मैंने कोई ऐसा बुक ली नहीं थी, प्लेलिस्ट पढ़ी थी, तो उनके लिए भी काफ़ी सारी किताबें आती हैं, वीआर मेहता भी आती है, हाँ। और भी कई सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट डेली की कोई भी किताब में आपकी सारे थिंकर नहीं है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं हमारे पास, तो वो किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे, आप डिफरेंट सोर्सेज से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप कौन सी किताब बताना चाहेंगे? तो आया तो इस लाइक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं होता कि एक बुक से कवर हो जाए, और तो आती है काफ़ी सारी, एंड्रू हेविड आती है आई आई टी लिए, मैडिसन स्मिथ की बुक है, ठीक है, बट उसमें भी आप कितना ही पढ़ लोगे। सो मैंने आयन का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता था कि आयन मुझे कवर करना है तो मैं करंट अफेयर्स लेके बैठ जाती थी और उनके आपस में क्या रिलेशन चल रहे हैं, वो 5 years के क्वेश्चन पेपर का एक डाल रखा था, तो वो मैंने 5 साल का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो विद एक्सप्लेनेशन था उसमें, तो वो पढ़ा था, तो मैंने उसको रिवाइज करती गई थी 2-3 बार। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि मैंने 10 बुक्स पढ़ी, और मैं फिर से बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप एक से सोर्स से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला। मेरा ये प्लस पॉइंट है क्योंकि मेरा 3rd attempt था, तो इससे पहले मैं कितनी सारी जगहों से पढ़ चुकी होंगी, वहाँ से कुछ चीज़ें दिमाग में जा चुकी होंगी, तो जो फर्स्ट टाइम देगा तो उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते, है ना। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि IR एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी किताब से शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए 2 किताबें बताना चाहूँगी, एक है मेडिसिन स्मिथ और दूसरी एंड्रयू हेविड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों पढ़नी है, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको जिस थिंकर का लिखा हुआ ज़्यादा पसंद आए आप उसका पढ़ सकते हो, ठीक है। मेडिसिन स्मिथ और एंड्रयू हेविड ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी किताब पढ़नी है, क्योंकि आपका एक आइडियोलॉजीज कंट्री कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो वो सारी आइडियोलॉजी आपकी उस किताब से कवर हो जाएंगी, और बाकी तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए वो बहुत सारी मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस डाल रखी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, और थ्योरीज की भी डाल रखी है वैसे तो, लेकिन अगर आपको अगर अच्छे से इन डेप्थ भी पढ़ना है तो आप विकीपीडिया से भी पढ़ सकते हो, एक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाली और अपनी खुद के नोट्स बनाई, वो सबसे बेस्ट रहता है, राइट, क्योंकि इंटरनेट पर हमें अपडेटेड मिलती है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको अपडेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। करंट मीटिंग्स क्या हो रही हैं, जैसे कि G20 चल रहा है, तो G20 क्या है, उसकी कौन सी मीटिंग हो रही है, कौन उसका चेयरमैन है, उसका मोटो क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर्स बाकी एग्जाम्स की तरह डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। जैसे अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो ब्रिक्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो आपको करंट अफेयर्स पर टैप रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप कौन सी किताब बताना चाहेंगी? सो ऐसे बताया ना, सिर्फ स्टार्टिंग में जो 3 यूनिट है
पॉलिटिकल स्टोरी IPT और WPT। इसके लिए मैंने बुक से पढ़ा था, किसी भी चैप्टर के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी। एंड जैसे हम जब मैं DRC में थी तो टाइम कॉलेज से ग्रेजुएशन हुई है, नोट्स बना के रखे हुए थे, तो कम से कम आप मारे हो गए मेरे पास 3-4 रजिस्टर भरे हुए नोट्स से, मेरे ग्रेजुएशन के भी नोट्स। क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास कंपेरेटिव पॉलिटिक्स था, वो जो मेरी मैम थी वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी वाली मैम थी DRC की, अगर कोई बच्चा देख रहे तो। और बाकी बात नहीं मेरे नोट्स की, इतना सारा मैंने इकट्ठा किया तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा सकती हूँ अगर आप मेरे जान पाओगे तो, जितना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो अपने नोट्स वगैरह भी दे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए वैसी कोई एज सच किताब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लेना चाहें तो JC जौहरी की किताब आ जाइए। सॉरी मैंने एक बार पढ़ी थी, JC जौहरी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें भी सारा सिलेबस नहीं है क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका बहुत वास्ट है। तो उसके लिए हम लोगों ने यूनिट वाइज अपने PDFs को बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग वो लेना चाहते हो तो वो परचेज कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो हमने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड करवाए थे, SUET के बच्चों को भी प्रोवाइड करवाए थे, UGC NET के बच्चों को भी प्रोवाइड करवाए थे, और लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से हम लोग वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग उसको लेना चाहते हो अगर आपको एक जगह पे सारी नॉलेज चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो। और बाकी हमारे पास लाइक पॉलिटिकल प्रोसेस की यूनिट्स हो गई, उनके लिए कोई एज सच किताब मिलना कॉलेज है। पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए आप लोग लाइक ऑक्सफोर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो अदर नॉन, हाँ जैसे कि ड्राइव्स वगैरह के बारे में या कास्टिज्म के बारे में पढ़ना है तो उन सबके लिए आई थिंक गूगल काफ़ी होता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी किताब बोलना चाहेंगे? गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का मैं गवर्नेंस की मैंने सारी स्कीम्स करती रही थी इस बार, मतलब वो जितनी भी योजनाएं स्कीम्स मिल रही है तो गवर्नेंस से ज़्यादातर वो स्कीम भी पूछी, स्पेशली लेटेस्ट जो भी चल रहा है, लेटेस्ट जो स्कीम चल रही है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी जब से आए उनके जितने भी चल रहे हैं योजनाज एंड ऑल, तो उससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मैंने देखने को मिला है। तो वो आप करो अच्छे से, और पॉलिटिक के लिए तो लक्ष्मीकांत है, ये तो पूरा पढ़ो भी नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ जो मेन मेन चैप्टर्स हैं पहले 2 पार्ट वो अच्छे से कवर कर लेना। तो गवर्नेंस के लिए इन्होंने जैसे कि बताया कि स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और काफ़ी बच्चे जो पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस इसको बहुत लाइटली लेके जाते हैं, नथिंग क्वेश्चंस, हाँ जी क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, और जबकि वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार बस आप जो आपको सारी स्कीम्स पे ही पढ़नी है, जो भी आपको कहीं दिख जाए उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर देख सकते हो किस टाइप की स्कीम्स पूछी जाती हैं, हेल्थ की पूछी जाती हैं या फिर कोई PM योजना पूछ ली जाती है, कोई लेटेस्ट चलनी वो। तो स्पेशली आपको 2014 की बात की, यस 2014 की बात की आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि जो 2014 के बाद से एक ही गवर्नमेंट है तो उनकी सारी पॉलिसीज़ ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी लेटेस्ट वाली, यस तो पढ़ेंगे नहीं, हाँ ऑब्वियसली फेमस वाली, कुछ कुछ हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, कुछ पेंशन के रिलेटेड हो सकती है, राइट। और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कौन सी किताब बताना चाहोगे? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बेस्ट, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है मैंने जितना भी देखा, और इस बार थोड़े बाहर से क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन उनका जो थिंकर का जो मेन आइडिया होता है ना, अगर आपने वो पकड़ लिया कि जैसे क्लासिकल थिंकर है, इसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, चाहे उस क्वेश्चन में कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं था, पर अगर आपको पता नहीं क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड कोई आइडिया और चार थिंकर है, तो आपको ये भी पता है कि क्लासिकल थिंकर्स कौन आते हैं, वो कौन से हैं, बिहेवियरिज्म वाले कौन से, तो बस उनको पकड़ो और उससे रिलेटेड आप चीज़ों को समझो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगा। जितने हो सकता है आप हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पिछले 5 साल के 10 साल के, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी यूनिट हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, ये थिंकर मुझे कवर करना है। इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने ये किया था, ये UGC NET पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सब्जेक्ट है ना, तो उसके जो क्वेश्चन थे वो मैंने प्रैक्टिस कर लिए, तो मेरा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से भी कवर होगा कि अब इससे बाहर तो क्या ही कुछ चलेगा। अगर UGC NET पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उससे इतने डेप्थ में सवाल पूछ रहे हैं तो इससे क्या ही एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। तो मैंने वो वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे एक यूनिट के वास्ते। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिनके क्वेश्चन अक्सर प्रीवियस ईयर जो होते हैं वो बार बार रिटाइट रहते हैं, वही थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, वही 2-4 थ्योरीज आपकी बार बार रिपीट होती है, और वही कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपके बार बार इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा थ्योरी वाइज पढ़ना है तो एक लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी आती है जिसके आप 5 चैप्टर पढ़ सकते हो, उसमें ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज कवर अप हो जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, चाहे वो UPSC के लिए या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए हो। और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी मैंने काफ़ी सारी किताबों की रिगार्डिंग भी वीडियोस बना रखा है, अगर आप उन वीडियोस से देखना चाहते हो हर एक किताब का नाम कि कौन सी यूनिट के लिए कौन सी किताब होनी चाहिए, क्योंकि पेपर 2 ऐसा नहीं है कि आपको सारा एक किताब में मिलेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि अरिहंत इन्होंने ली थी, लेकिन यही सारी किताबें मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नहीं पता वो किसने लिखी है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है,
कभी कभार ठीक है जिनसे कुछ भी यस कभी कभार वो लोग गूगल से भी चीज़ों को निकालते हैं, मिस्टेक्स भी थी, मिस्टेक्स भी होती हैं काम ऑफ नाइट्स। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करिए। ऐसा नहीं है कि 15 दिन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, एक महीने की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आप अपनी पेस पे ये बिलीफ रखिए कि आपका बेस कितना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए कि कितने दिन में मैं कौन सी जॉब को कवर अप कर सकता हूँ। बस एक बार स्टार्ट करने की देरी, उसके बाद आई थिंक स्पीड तो अपने आप आ जाती है राइट। एक यूनिट को करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है आंसर कि बाकी यूनिट हम कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आई विश यू लक कि दिसंबर वाले सेशन में जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं उनमें से यूजीसी नेट के बच्चों को बहुत सारी सफलता मिले। और आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो लास्ट मैसेज तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट, सबको तो तैयारी कर रहे हो और उसके अलावा नोट्स बनाना मत छोड़ना कि कुछ भी साथ साथ लिखते रहो कुछ भी कीवर्ड लिख दो, चाहे अपन नोट्स का बहुत अच्छा आलसी होता है, मैं भी आलसी थी, मैं अपन नोट्स नहीं पसंद मेरे कुछ भी, बट मैंने स्टिल कोई भी कुछ भी लिखती थी ना तो वो कौन याद हो जा रहा था। तो ये मैं लास्ट मैसेज देना चाहूँगी कि नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो, हो सके तो याद रखने की कोशिश करो, ट्रिक्स से जितना हो सके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उसके बाद उसको आप अपने रियल लाइफ से रिलेट कर लो किसी न किसी कॉन्सेप्ट को। IPT के सारे थिंकर्स के कॉन्सेप्ट अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, WPT के भी बहुत थिंकर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा आपको रियल लाइफ में एज इट इज मिल जाएगा, तो वैसी चीज़ें रिलेट करोगे ना तो दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएं। थैंक यू। तो एक लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग किताबों के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वहीं से आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा कि किस थिंकर से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और आखिरी जो मैसेज मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी वो यही है कि विवेकानंद जी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि उठो और चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ऑब्वियसली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद आप जो भी इसे सीखोगे वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और कुछ तो हेल्प हुआ होगा, और पसंद आई हो समझ में आई हो तो अपने साथी लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और उससे भी को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, बिकॉज लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मुझे आपसे रिस्पॉन्स पता चल पाएगा। और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि और सुबह के वीडियो आ सके।